देखिए बन चुका है हमारा पुलाव, मतलब बताना कैसा हुआ है। देख लो गाइस अभी तो फ्राई हो रहा है और देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। तू खाना। हेलो फ्रेंड, मैं काजल और आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल काजल डॉट मानसी में। तो नो हेलो फ्रेंड, मैं काजल और आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल कपल लाइफ ब्लॉग में। तो फ्रेंड ये रहा मेरा झोला और ये भुज्जा मानसी के लिए थोड़ा सा लाई हूँ मैं, गरम मसाला और इसमें है किशमिश। प्याज मेरे पास नहीं था तो प्याज लेके आई हूँ। ये रहा चिकन और ये रहा मिर्च मसाला। तो गाइस देखिए अभी काजल लाई है मार्केट से प्याज और चिकन। कुल मिलाकर अगर कहा है ना, एक वीडियो में दो दो रेसिपी मिलने वाला है आप सभी को। चिकन का अलग, चिकन को तो डेली मिलता है वैसे, लेकिन पुलाव के साथ खाना है ना तो कुछ अलग तरीके से बनाना है। और पुलाव मतलब बिरयानी जैसा आप लोग समझ सकते हैं, वो बनाना है, कलर वाला जो लगता है, और देखना कितना फ्रेश बनाएगी। तो ये मेरा फोरन हो गया और यहाँ मीट को धो ली हूँ और कढ़ाई बैठाई हूँ गरम होने के लिए। तो गरम होने देते हैं कढ़ाई को, तब हम बनाएंगे तो उससे से हम साई है, तब से मेरे से लड़ रही है। तो मैंने बोला था ना पेटीएम कर दूंगा, तो का ना फोन कहूँ आपके मैं समझे कि नेटवर्क नहीं आएगा, जा रहा हूँ बाहर। तो मैं किस पे कॉल करता बताओ, आप बाहर जाते थे मुझे से लगा ही। मुझे क्या पता कब तुम पहुँची हो। यहाँ चौराहे पर जाने में 10 मिनट से कम लगता है, 7-8 मिनट लगेगा। और गाइस सर अभी प्याज भून रही है। हाँ दोस्तों प्याज भून रही है। तो गाइस अभी काजल मसाला पीस रही है, देखो धड़ाधड़ पीस रही है। मार ना तो आपके तरह मेरे जैसा पीसोगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं इसे चिकन डाल रही हूँ और चलिए इनको भूनते हैं, तब तक मेरा मसाला रेडी हो जाएगा। हाँ मेरा मसाला रेडी है और चलिए देखिए मैं इसको भून ली हूँ। चलिए इसमें अब एड कर देंगे और इसको 4-5 मिनट तक भूनूंगी मैं। गाइस अभी तो फ्राई हो रहा है और देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी बताना कैसा देखने में लग रहा है। और इधर काजल का रही है पुई पुई। गाइस देखिए अभी चावल निकाल रही है, पोटा बहते के लड़की के ये पसीना है, पानी पिए है अभी। अच्छा, एक बात बता दें, इसको मैं धो के रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए, तो वही जा रही हूँ धोने। क्या होता है ऐसे ऊपर करके पानी कितना है इसमें, हम क्या करें। अच्छा। और दोस्तों हमारे चावल पर मत जाइएगा आप लोग, पता है कुछ बनाना होता है तो सबको बांट के खाना चाहिए, इसलिए बना रहे हैं। जीतन को पहले ही बोल दिया मैंने। तो गाइस यहाँ चावल सूख रहा है और इधर है माल मटेरियल जो कि गरम मसाला बोल सकते हैं। हाँ, इसको सारा डालेंगे। और इधर नीचे में मूंगफली है, बादाम, और इधर देख सकते हैं तेजपात पत्ता और रिफाइन डाल दिए। अब ये डाल दिए आप दूर। देखो चावल डाल दिया इधर और चावल निकाल दिया, इसमें डाल के इसको चलाएंगे। देखिए इसको मैं चारों तरफ लगने नहीं देंगे, भूनते रहेंगे, कहीं नहीं लगने देंगे, नहीं तो भूजा जैसे हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ मैं बादाम और ये किशमिश मैं सारे को इसमें मिक्स कर देती हूँ और इसके बाद थोड़ा सा और पका देंगे, एक मिनट नहीं थोड़ा सा एकदम चला लेंगे वहाँ रख के। देख सकते हैं यहाँ मैं पानी इसमें ऐड कर दी हूँ और बैठा हुआ बना रही हूँ, उसको बैठा हुआ ही बनेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने यहाँ कलर रेडी कर लिया है, यही मैं कलर यूज करती हूँ ज्यादातर, आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों इसको मैं डाल देती हूँ जो बनाई थी पेस्ट, और इसको भी डाल देती हूँ। कलर बोलो इसको, पेस्ट कलर कलर। अब इसको ढक के छोड़ दे, तो हो गया 10 मिनट छोड़े हुए। अब चलिए इसमें मैं निकाल देती हूँ थाली में। गाइस हमारा खाना निकल रहा है और अभी खाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। देखिए मेरा चिकन भी बनकर रेडी था उसी टाइम से, तो चलिए हम फटाफट, लेकिन आज लेग पीस हम खाएंगे। हाँ खाओ। हाँ क्या बेटा। तो फ्रेंड ये मेरा खाना है, देख लो आप लोग, मैं निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड चलिए हम फटाफट खाते हैं खाना। देख तो गाइस हमारे देख सकते हैं चिकन और ये है पुलाव। हाँ। तो आइए खाते हैं फटाफट। खा बेटा तू, खा।
भाभी यहाँ बन रहा है लिट्टी और चिकन। और भावुक को देखिए, भावुक का देखा, अरे 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 देखिए हो गुस्सा है, मार खाए हैं, हल्ला कर रहे थे। गाइस फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया है और काजल उधर खाना खा लिया है। और आइए देखता हूँ, चिकन को मैंने बोला था खाना खाने के लिए तो वो तो आएगा नहीं, चलिए मैं ही पहुँचा देता हूँ। और आप लोग बने रहिए, चलते हैं जीतन के यहाँ खाना पहुँचाने। चल रहे हैं, जीतन को दे दें, जीतन और बुलेट है दोनों को, इतना चावल काफ़ी है, खा लेंगे। और अभी चलते हैं, उधर अंधेरा है थोड़ा तो वीडियो वहीं चल के दिखाऊंगा। भाई जो भी बुलेट आटा सान रहा है और जीतन इधर खा रहा है। जीतन कैसा हुआ है? मस्त है। अच्छा मजा आ रहा है? तो ये आटा कौन खाएगा इतना रोटी? वो भी खा जाओगे? चार आदमी है। अच्छा तो खा लेना, अभी बुलेट भी खाएगा आटा सान के, तब तक जीतन मार रहा है थोड़ा थोड़ा। और बोल दो जीतन, लाइक कमेंट शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर करना दोस्तों। हाँ, इस बार जीतन के कहने पे गर्दा उड़ा दो। और बुलेट तुम ही कह दो, तुम्हारे तो फैन बहुत ज्यादा है, बाल के लिए पूछा जाता है डेली। इधर देख के बोलो भाई, यार हंसी लिया दो, अरे मत करो। जीतन इतना खाना खा लिया कि टहला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा।